दैट इज इमोशन. इमोशंस जो हैं उनका होना बहुत ही जरूरी है फॉर आर लाइफ. ठीक है, फॉर आर डेवलपमेंट इमोशंस मस्ट बी जरूरी था. अगर हमारे में इमोशंस नहीं होंगे, वी कांट शेयर द थिंग्स विद अदर्स, वी कांट एम्पैथी, सिंपैथी नहीं कर सकते हैं, हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर सकते हैं. ओनली आर नेगेटिव वेव्स जो हैं वो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं. और पॉजिटिविटी की तरफ कब जाते हैं? जब हमारा बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव होता है, वी गेट द पॉजिटिव वाइब्स. नाउ द थिंग इज हाउ द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वर्क्स. ठीक है ना बेटे, हमारे अंदर न्यूरोमस्कुलर यानी कि माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, और अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो व्हाट विल बी द रिजल्ट. ठीक है, टेक एन एग्जांपल, मेनी एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू ऑलरेडी. अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, यू हैव टू जज व्हाइल प्लेइंग अ बैडमिंटन, शटल जो है वो मेरी राइट साइड पर आउट ऑफ द लाइन आएगी, इन द लाइन आएगी, और आई शुड मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और आई हैव टू स्टे स्टिल. दैट इज अ जजमेंट. एंड बाय हिटिंग द कॉक विद द रैकेट एट अ प्रॉपर प्लेस, वो या स्मैश देना है मैंने, या इसे स्लो मार्क करनी है, या हिट फास्ट करनी है, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ माय बॉडी विद माय माइंड, व्हिच गिव्स मी अ फ्रूटफुल और अ गिव अ गुड रिजल्ट टू मी. जिसे हम कहते हैं जजमेंट जो थी वो मैंने प्रॉपर की और मैंने सही तरीके से उसको हिट किया. नाउ द थिंग्स आर देयर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन आवर लाइफ. फिजिकल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ? पांच तो यही चीजें हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए. अब फिजिकल डेवलपमेंट में सब डिसिप्लिन कर लेते हैं, आगे क्या क्या है. ठीक है ना बेटा, हमारी जो पोस्चर है मेकिंग है वो किसके अंदर आती है? हमारा पोस्चर जो है वो फिजिकल. ठीक है ना, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हमारी मसल्स का टोन अप होना, हमारी मसल्स का वेल बिल्ड होना, दैट कम्स अंडर द फिजिकल डेवलपमेंट. ठीक है बेटा, एंड अ गुड अपीयरेंस, हमारी गुड अपीयरेंस, हमारी गुड पर्सनालिटी जो है दैट आल्सो कम्स अंडर द फिजिकल. ठीक है ना, गुड लुकिंग होगा ऑब्वियसली यू विल गेन अ कॉन्फिडेंस व्हाइल टॉकिंग. व्हेन यू आर हैविंग अ नॉलेज यू कैन टॉक टू एनी पर्सन, दैट इज कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मसल्स डेवलपमेंट होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, हमारी हमारा पोस्चर जो है थ्रू एक्टिविटीज और थ्रू एक्सरसाइज और थ्रू द योगा वी कैन गेट आवर करेक्ट पोस्चर. हाइट इंक्रीज, बॉडी सेटअप, ये सारी चीजें किस पे होती है? हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है, जिसमें हम क्या करते हैं? वी डू द प्रॉपर एक्सरसाइजेस और द एक्टिविटी. और एक्टिविटीज कब से स्टार्ट हो जाती है? एज सून एज वी टेक द बर्थ. ठीक है ना, हमारी एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है. जैसे हम कहते हैं कि बच्चा रो रहा है, वो हाथ पैर मार रहा है, इट इज नॉलेज नहीं है उसे, लेकिन ये पता है मेरे क्राई करने से क्या होगा. या पहले बड़े बोलते थे रोने दो बच्चे को, व्हाट इज द रीजन? मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, लंग्स जो है उसकी वर्किंग प्रॉपर होगी. ठीक है, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं या कुछ है, हमारी जो सैक है लंग्स के वो फैल जाते हैं. ठीक है ना बेटा, एंड इट अगेन इनहेल एंड एक्सहेल के द्वारा हम क्या करते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और सो क्या करते हैं या एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन. ठीक है, दिस इज द वन थिंग रिगार्डिंग द फिजिकल का. अब नेक्स्ट चीज है फिजिकल एजुकेशन में कि इसके करियर ऑप्शंस. ठीक है, As I told you earlier that in the past decades years, ठीक है अब तो काफी साल या काफी decades से लोगों में इस चीज की awareness या importance of physical education पता चल गई, but still somewhere in their mind misconceptions regarding physical education is there. They never take this subject equivalent to the other subjects. पेरेंट्स के या फोरफादर्स या पहले जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके लिए फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता था दैट इज सिंपल अ गेम्स,
ड्रिल एक्सरसाइज मार्च पास्ट लो स्टेटस एंड ऑल। ठीक है, बच्चा खेल रहा है इसका मतलब है वो कुछ नहीं पढ़ता। बट दे नेवर रियलाइज कि जब तक हम एक्टिविटीज नहीं करेंगे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी, वी कांट गेट इट। ठीक है, बुक वॉर्म बनना या ऑल द टाइम टेकिंग सिटिंग एंड डूइंग नथिंग एक्सेप्ट रीडिंग, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। हमारी पर्सनालिटी, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है। नाउ देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस रिगार्डिंग टू द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से अब धीरे धीरे, पहले लोगों के माइंड में सिर्फ था कि स्कूल में टीचर लग जाएंगे बच्चों को खिलाने के लिए, या कॉलेज में गेम्स के टीचर होना, या यूनिवर्सिटीज आदि में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई लोगों का माइंड सेट सिर्फ यहाँ था। बट एज सून एज द era has changed, now like Olympic games, Asian games, Commonwealth games, national games, people are used to come to know the or the recognition of the country is through the games. Games ke dwara hi kisi bhi desh ki recognition aajkal hoti hai. Olympic games jo multi events hain, theek hai na beta, ऑल ओवर द वर्ल्ड होने के कारण क्या है, हमने शायद कभी एथलीट्स में भी या नॉर्मली भी इन देशों के नाम नहीं सुने जिनके हम मेडल टैली में देखते हैं कि ये प्लेयर या ये टीम कौन सी जगह से आई या कौन सी कंट्री की है। उसके बाद हमारी नॉर्मली डिस्कशन भी रहती है, मैंने तो इस कंट्री का नाम ही नहीं सुना, एंड आई सॉ इट इन द एथलीट्स, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री, ठीक है, या इसकी पॉपुलेशन, बट हाउ दे केम इन टू एग्जिस्टेंस या किस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उन्होंने अपनी पहचान जो है वो गेम्स के द्वारा या सोशल एक्टिविटीज करके, सॉरी या एक्टिविटीज करके, फिजिकल एक्टिविटीज की एक पहचान बनी है। वाई? बिकॉज थ्रू एक्टिविटीज वी डेवलप अवर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सीबिलिटी, एंड्योरेंस, ये सारी चीजें हमारे अंदर जो है डेवलप होती हैं। और आपको जैसे पता है फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क वी नीड दीज कंपोनेंट्स, हमें इन कंपोनेंट्स की बहुत जरूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। टेक एन एग्जांपल, व्हाइल मामा इज डूइंग समथिंग इन अ किचन और यू आर प्लेइंग और यू आर सिटिंग एंड डूइंग सम एक्टिविटी, यू नीड अ everything is around you, but then also sometimes you want something else which is not near to you, nearby nahi hai, to hum kya karte hain usme beta, we stretch our arm or leg, ya kisi tarike se hum karte hain, ya hamari joints ki extension, hamari muscles ki extension hoti hai, that comes under the flexibility, hamari body ki flexibility jo hai wo hame helpful hai. ठीक है, डूइंग द वर्क इन ए कॉन्स्टेंट मैनर इन ए परफेक्ट वे, दैट कम्स अंडर द एंड्योरेंस विदाउट एनी फटीग, बिना किसी थकान के हम जब 7 या 6 घंटे काम करते हैं वो हमारी एंड्योरेंस फॉर्म में आ जाती है। अगर हम उसी काम को जल्दी 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं, इट मीन्स अलर्टनेस ऑफ माइंड बॉडी, इट हेल्प्स टू डू द वर्क, that is called the speed. सिर्फ games में ही या activities जो भी हम करते हैं उन्हें उनमें हमें हमें इन components की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अब है कि इनके लिए काफी courses हैं आजकल, काफी समय से physical education के काफी courses आ रहे हैं, और nowadays when we are attending the webinars and seminars we come to know that how much development is there regarding the physical and how much force ya focus diya ja raha hai ki hamare liye physical activities kitni zaruri hai. And during this pandemic maximum agar aap YouTube par ya normally channels pe dekhoge, they are discussing topics jo hote hain, what to eat, when to eat,
what exercise we should do, how to keep your immune system in a good manner, body ko kaise hum acha rakh sakte hain, hamari kaise development ho sakti hai, how we can keep away the diseases. To ye kya cheeze hain, ye hamare body aur mind ki environment hai, iski development. Theek hai beta, ye cheeze samajh mein aa rahi hain. Next hai career option, usse pehle hai syllabus, sorry career jo hai iske liye trainings hain, jaise DPED, CPED, BPED, MPED, MPhil, PhD, उस काफी रिसर्च वर्क चल रहे हैं, पर ये सारी चीजें क्या हैं, ये इसके अंडर स्टडी के अंडर आती हैं, ठीक है? जो आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में टीचर करते हैं, दे हैव टू डू द सच टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आल्सो. Before or without these trainings, they are not permissible to attend or give a lecture to the students. ठीक है ना? हमारी appointment, teachers की appointment through हमारी qualification, trainings के through होती है. अब है कि career options कौन-कौन से हैं physical education में? What are the career options present in the physical education? Many options. अगर हम नजर दौड़ाएं तो maximum हमारे जो है वो ऑप्शंस जो है करियर ऑप्शंस जो है हमारे फ्यूचर के लिए वो इसमें से फिजिकल एजुकेशन या गेम्स एंड स्पोर्ट्स में से निकलते हैं. टॉप मोस्ट अगर आप देख लो हम क्या करते हैं, प्लेयर्स का हमारे ऊपर इम्पैक्ट आजकल चल रहे हैं ना. रात को फाइनल मैच था फुटबॉल का, देखा होगा इंग्लैंड और उसका 12:30 बजे, ठीक है? ये क्या है, दिस इज अ स्पोर्ट्स के चैनल, कमेंटेटर्स, प्लेयर्स, शेयर लीडर्स, उसके बाद लाइनमैन, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए ऑफिशियल्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके ऑप्शंस हैं कि हम इन्हें अपने लाइफ में अपने ब्रेथ के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे अपना सकते हैं. वी कैन अडॉप्ट सच टाइप्स ऑफ कोर्सेस, ठीक है? उसके बाद है जर्नलिज्म, ठीक है बेटा? मैगजीन आती है या सुबह जब न्यूज़पेपर आता है तो हमारा काम होता है सबसे लास्ट पेज देखते हैं, जिसमें हमने क्या देखना है, हमने रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखनी है, आज किसका मैच था या शेड्यूल आने वाला है, या तुम्हें पता है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना? तो ये क्या है, वी हैव टू कम टू नो और इट एनहांस आवर नॉलेज. देन स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर है, आजकल हर हॉस्पिटल में अगर आपने देखा होगा तो मैक्सिमम जो है वो स्पोर्ट्स इंजरीज पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आर देयर, ठीक है? लिगामेंट्स के, टेंडन्स के, फ्रैक्चर्स के, क्रैम्प्स के, मसल्स के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, दोस हेल्प्स देम, ठीक है? प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी इंटरनेशनल गेम्स होती हैं दैट इज फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनी कंट्री. उसके बाद है मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल. अगर हम अपना ही एग्जांपल जलंधर का ले लें या अपने स्कूल के पास का बैग प्लेस ले लें, जहां पर मैक्सिमम जो है वो क्या है, स्पोर्ट्स गुड्स का ही है, यहाँ पर मैक्सिमम स्पोर्ट्स गुड्स हैं और मैक्सिमम यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं दूसरी कंट्रीज में या फाइनलाइज होती हैं, ट्रैक सूट्स हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स ऑफ द स्पोर्ट्स हैं, एक्सरसाइज के हैं, जो बच्चे जिम के लिए जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं या कुछ है, ठीक है, उनके लिए वहां पर होना. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर देयर, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, मॉडिफिकेशंस काफी हो गई हैं कि हाउ वी कैन गेट अ मैक्सिमम रिजल्ट थ्रू दिस. ये सारी चीजें क्या है, दिस कम्स अंडर द ऑक्यूपेशन, ठीक है ना? करियर ऑप्शन जो है उसके अंडर आती है. हम इसे यह ना सोचे कि स्पोर्ट्स जो है दैट इज ओनली गेम्स, ड्रिलिंग एंड मार्च पास्ट, इससे काफी ये ऊंचाई पर चला गया. हर टाइम रिसर्च होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इवन हमेशा इम्प्रूवमेंट दिखाई जाती है, जो चीज पहले बनाई जाती है उसमें कितनी बेटरमेंट लाई जाए, कितनी प्लेयर्स के लिए वो बेस्ट हो. मैंने पोल वॉल्ट का एग्जाम्पल लिया था कि पहले पोल वॉल्ट के लिए क्या होता था, जो पोल होता था वो बेटा बैम्बू का होता था, एंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ एथलीट
पोल वॉल्टर के लिए बहुत मुश्किल होती थी कि इतना हैवी पोल उठाकर या इतना हैवी जो बैम्बू है उसको उठाकर उसने बार को या उसको बेंड करके बार को क्रॉस करना होता था। अब क्या हुआ, उसके बाद चेंजेस आते गए और आजकल जो स्टिक्स हैं, ठीक है ना, सिंथेटिक टाइप्स ऑफ, वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और उनकी परफॉर्मेंस में एनहांस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, ठीक है ना बेटे, हेल्पफुल रहती है। इसके किस तरीके से इसे कर, नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द खेलो इंडिया प्रोग्राम, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग द नेशनल एंड व्हाट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना बेटा। एज द वर्ड इटसेल्फ डिफाइन की नेशनल और इंटरनेशनल, द नेशनल प्लेटफॉर्म में होता है स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनमें होता है यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है, ये होता है। स्कूल के भी नेशनल लेवल्स होते हैं, कॉलेजेस के भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के भी होते हैं, और नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में भी नेशनल लेवल्स पर गेम खेले जाते हैं। वाई National games are there to select or to get the best output of our country to represent them in a international platform. अपने हम ऐसे ही करते हैं ना, अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे स्कूल के बेस्ट क्या हैं, we just get the topper ones. Those who are academically toppers हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें इंटर स्कूल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं कि दे आर द बेस्ट वन, नॉट ओनली दोज, इवन दो सम ऑफ देम आर मस्ट बी गुड इन एक्टिविटीज, लेकिन अगर एकेडमिकली पूछा जाता है कहीं पर, उसका रिकॉर्ड लिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट फर्स्ट बेस्ट फाइव या इस तरीके के बच्चों को ले लेते हैं। इन द सेम वे जब हम हॉलीडेज होमवर्क के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, हॉलीडेज होमवर्क होता था तो आपके क्लासेस में क्या होता था, बेस्ट फाइव स्टूडेंट्स, दोज हु हैव डन अ गुड, दे गेट द सर्टिफिकेट और एनी टाइप ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है ना, इंसेंटिव्स मिलता था इनिशिएट करने के लिए बच्चों को कि दैट यू हैव टू डू द वर्क, ठीक है, व्हाई टू रिप्रेजेंट देम, पहला क्या था, अपनी क्लास में पता चलता है कि ये बेस्ट बच्चे हैं पांच जिन्होंने सबके मुकाबले में काम किया, उसके बाद उन्हें स्टेज पर स्कूल में बताया जाता था, इट मीन्स अ सेकेंड लेवल इज, दिस इज अ एग्जाम्पल जस्ट कि आपको क्लियर करें। नाउ खेलो इंडिया, खेलो इंडिया के बारे में बेटे मैं बताना चाहती हूँ कि इसको 2018 में आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एज नो, ठीक है, ये दिल्ली में करवाया गया था। इसमें टू कैटेगरीज हैं, एक अंडर 17 है, एक अंडर 21 मीन्स फॉर द स्कूल लेवल एंड फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल, दो जगहों के लिए इसमें किया जाता है। अब खेलो इंडिया का मेन मोटिव क्या है, ग्रास रूट से फिजिकल एक्टिविटीज को करवाना, बच्चों के अंदर इस चीज को डेवलप करना कि हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल एक्टिविटीज फॉर अस, क्योंकि अगर हम उन्हें ग्रास रूट लेवल से करवाएंगे, यानी कि छोटे होते से ही फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, तो बच्चे में वो हैबिट्स जो है इंकल्केट हो जाती हैं एंड दे डेवलप फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है बेटा। इस चीज का आपने अगर कभी सुना हो तो कई पेरेंट्स हैं, दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द आर्मी स्कूल और अ सैनिक स्कूल, व्हाई सो, बिकॉज़ देयर मोटिव इज टू गेट देम सिलेक्टेड इन द आर्मी, या फिजिकल किसी ऐसे फील्ड में करवाने के लिए होता है, तो उनके माइंड में ये होता है हमने अपने बच्चों को उस जगह पर भेजना है जहां पर उसके मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी बेस्ट हो, ठीक है ना। ये चीजें क्या है इसके अंदर है। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है नॉर्मली बेटा, इसके अंदर होता है कि सॉरी, इन द खेलो इंडिया देर आर 16 रेकमेंडेड गेम्स फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, वो 16 गेम्स जो हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद वो खेलते हैं। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल।